दोस्तों नमस्ते, माय यूनिवर्स चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। ये उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन हो सकता है, या आपको आपके पर्सन ने काफ़ी समय से आपसे बातचीत नहीं की है और आपको मैसेज नहीं किया है, तो उनके लिए है ये वीडियो। सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, उनकी करेंट सिचुएशन क्या है, क्या वो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। जस्ट प्लीज गाइड करें, इंजस्ट गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें, इंजस्ट गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी क्या है, इंजस्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से, इंजस्ट प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इंजस्ट प्लीज गाइड करें, इंजस्ट प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस, द सन, लेकिन रिवर्स में आया है, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे है तो पॉजिटिव, नो डाउट। देखिए ये पर्सन जो भी है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आपके पार्टनर, देखिए आपकी जो वाइब्स है ना, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है उन्हें बहुत अच्छी लगती है। सिचुएशन में क्या है कि आप लोग के बीच में किसी तरह का धोखे और थर्ड पार्टी इशू आई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको वो धोखा दे रहे, या वो थर्ड पार्टी इशू में है। हो सकता है आप दोनों में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, या आप उन पर डाउट करते हो, ये भी हो सकता है। देखिए डियर, आपके पर्सन दिल के साफ हैं, गुस्सा करे, ईगो दिखाए अलग बात है, बातें छुपाए, झूठ बोले अलग बात है, लेकिन इनके मन में कोई गिला, शिकवा, शिकायत नहीं। हाँ, एक इंसान की जो एनर्जी होती है वो हमेशा देखिए उतार चढ़ाव होती है, कभी गुस्सा, कभी ईगो, कभी फाइटिंग, कभी झगड़ा, कभी मूड स्विंग्स होना, तो ये हर इंसान की फितरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी इसी प्रकार है देखा जाए तो। इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उनकी हीलिंग चल रही है, और ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। अगर उनसे गलती हुई है, उन्होंने बातें छुपाई है, और किसी प्रकार का हो सकता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हो या कोई और भी प्रॉब्लम्स हो, अगर इन्होंने छुपाया आपसे तो ये कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये द सन है तो सारे साइन है, बट मैं बता देती हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ पे एरिस, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी, सारे साइन है। देखिए रे, आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और ये बढ़ेंगे, क्योंकि द सन की एनर्जी है। सब कार्ड छोड़कर देखिए, द सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, ठीक है। आपके पर्सन सेपरेशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये दूर से आपके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपके कॉलिक हो, उनके कॉलिक हो, फ्रेंड हो, या सोशल मीडिया पे हो, या बचपन के फ्रेंड हो, जो भी हो आपके पर्सन, उनके जो भी खास दोस्त हो, कहीं ना कहीं या आपके कॉलिक से भी जानकारी ले रहे हैं, अपने कॉलिक से जानकारी ले रहे हैं, कॉलेज हो, इस कॉलेज से भी हो सकता है कोई फ्रेंड हो, उनसे भी जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे डियर, सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल का काम करते हो, या सोसाइटी, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हो, हो सकता है सबकी ये मदद भी करते हो, ठीक है, लेकिन इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बट फिर भी ये लग रहा है इन्हें कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन सिक्स नंबर अगले हो सकता है, अगले सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, वाह नाइस। इस वक्त आपके पार्टनर बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, अपने करियर में बैलेंस लाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये सिक्स नंबर होता है वीनस का, माँ लक्ष्मी का, तो कुछ ना कुछ
अच्छा दिखाई दे रहा है। द सन सक्सेस की एनर्जी है, आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके पार्टनर के करियर में हो या फिर आपके करियर में, क्योंकि द सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वीनस क्या है, रिश्ते में सुधार लाना, रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना। जहाँ 666 जो होता है वीनस का होता है, माँ लक्ष्मी का होता है, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप का जो बॉन्ड होता है और स्ट्रांग होता है, खुशियाँ आती है। तो यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी आ रही है, तो आप रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आ रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, ऑफर करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है अगले 6 दिन, अगले 12 दिन भी हो सकते हैं, 6, 3, 6 मुझे लग रहा है 12 भी हो सकते हैं, 6, 6, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये प्रोसेस हो रहा आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का, क्योंकि यहाँ कुछ छुपाए गए हैं बातें, तो ये छुपा जरूर है, बट आपको आपसे कहना चाहता है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये एक्शन की एनर्जी स्ट्रांग है, द सन की एनर्जी, तो मुझे लग रहा है प्रेयर प्रार्थना कीजिए अगले 6 मिनट 6 सेकंड 6 घंटे भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 12 यानी 12 18 यानी 18 हो सकता है कि ये प्रोसेस और हीलिंग की चल रही है, ठीक है। ऑफर करना चाहते हैं इस प्यार का, उन्हें एहसास है कि आप उनकी सोलमेट हो। तो मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रहा, आप देख सकते हो एक्शन की एनर्जी है, प्रपोज करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, तो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर दिल के साफ हैं, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, तो 6, 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। आप देख सकते हो ये प्यार ऑफर करना चाहते हैं, सक्सेस की एनर्जी ये दिखा रहा है, आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, आपके पार्टनर भी आ रहे हैं। तो हो सकता है डियर सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करें, ठीक है, और थोड़ा प्रेयर प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी तरफ सन की एनर्जी आई है, 6, 6 की एनर्जी आई है। ये नंबर भी देख सकते हो कि सन आपकी तरफ एक सक्सेस लेकर आ रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आ रहे हैं, किसी के लिए 6 नंबर है, 12 नंबर है, 18 नंबर है, 6, 12 और 18 आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रोसेस हो, अगर आपकी प्रेयर प्रार्थना में ताकत है, हिम्मत है, शक्ति है, कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाइब्स है, इससे अच्छा कार्ड्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि द सन की एनर्जी 6, 6 की एनर्जी ये बताता है रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना, रिश्ते में बैलेंस लाना, खुशियां लाना, अवर्नेस लाना, अपॉर्चुनिटी मिलना, ग्रोथ होना, करियर को लेकर, रिश्ते को लेकर, बहुत खूबसूरत वाइब्स है डियर, बहुत खूबसूरत वाइब्स है। तो प्रेयर प्रार्थना कीजिए, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा इनसिक्योर हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, बातें छुपाई, अगर रिश्ते में विश्वास की कमी है तो इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि 6 नंबर ये बता रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, द सन की एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत ये कार्ड, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, मतलब 6 नंबर वीनस की, यानी कि रिश्ते में अब कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता स्ट्रांग होने वाला है, खुशियां आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, सबसे बड़ी बात बैलेंस और सक्सेस आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऑफर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, किसी लिए 6, किसी के लिए 12, किसी के लिए 18, ठीक है। प्रेयर प्रार्थना कीजिए तो मिनट घंटे और सेकेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये है आपके पार्टनर की एनर्जी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। डियर गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।